I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्कोडा लोरा के बारे में। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्कोडा लोरा DSG 6 स्पीड ट्रांसमिशन का किस तरीके से आप इसका ऑयल रिप्लेस कर सकते हैं बिना DSG टूल के, क्योंकि DSG में एक प्रॉब्लम होती है। DSG का जहाँ से ऑयल ड्रेन होता है वहीं से इसका ऑयल फिलिंग होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इसका इंजन ऑयल ट्रांसमिशन ऑयल लेवल चेक कर सकते हैं, इसका ऑर्बिटर रिप्लेस कर सकते हैं, इसका इंजन ट्रांसमिशन ऑयल चेंज कर सकते हैं, लेवल चेक कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी देखते रहिए, करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये कार है स्कोडा लोरा और आज हम करेंगे इस कार का ट्रांसमिशन ऑयल रिप्लेस। तो यहाँ पर इस कार में है ऑटो ट्रांसमिशन 6 स्पीड DSG गियर। ओके, तो आज हम आपको बताएंगे इसमें आप किस तरीके से इसका ट्रांसमिशन ऑयल रिप्लेस कर सकते हैं बिना DSG टूल के, क्योंकि DSG गियर में जब भी आप ट्रांसमिशन ऑयल रिप्लेस करते हैं तो कंपनी का जो ओरिजिनल टूल होता है उस टूल को आपको यूज करना होता है ट्रांसमिशन ऑयल फिलिंग करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इसका ऑयल ड्रेन करेंगे। यहाँ पर एक नीचे प्रोटेक्ट कवर होता है जो कि मैंने इसका हटा दिया है। तो अभी हम खोलेंगे सबसे पहले इस नट को। तो यहाँ पर हमें ये खोलना होगा इस एलन की से। तो एलन की टूल से हम इस नट को खोल देते हैं। तो ये है इसका ड्रेन प्लग, यहाँ से इसमें ऑयल ड्रेन कराया जाता है और यही होता है इसका फिलिंग नट। तो हम जब ऑयल फिलिंग करते हैं तो एक टूल होता है बेसिकली, जो आपको मैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक पे जाकर के इस टूल को परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये सेकंड प्लग इसका खोल दिया है। ओके, और ये होता है इसका सेकंड प्लग। तो बेसिकली ये एक प्लास्टिक का प्लग होता है। ओके, तो आपको पहले वो बड़ा वाला लिंकी का नट खोलना है, उसके बाद ये सेकंड नंबर प्लग खोलना होता है, उसके बाद सारा ऑयल ड्रेन होगा और कम्प्लीटली पूरा ऑयल ड्रेन होने का हमें वेट करना होगा। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप उसको बिना टूल के आप किस तरीके से ऑयल डाल सकते हैं इमरजेंसी। तो सारा ऑयल ड्रेन होने देते हैं, उसके बाद खोलेंगे हम इसका बैटरी बॉक्स। तो ये हम इस तरीके से अभी सारा ऑयल ड्रेन होने देते हैं और ये हम प्लग इसका लगा देते हैं। जब सारा ऑयल ड्रेन हो जाएगा तो अभी हम इस पर ड्रेन होने का थोड़ा वेट करेंगे, समथिंग 15 मिनट। तो 15 मिनट तक हम इसका सारा ऑयल ड्रेन होने देते हैं, तब तक चलते हैं हम इसके ऊपर बैटरी पोजिशन की साइड। तो यहाँ पर फिटिंग है इसकी बैटरी और एयर फिल्टर असेंबली। तो अभी हम यहाँ से खोलेंगे इसका ऑयल फिल्टर। तो इस जगह फिटिंग है ये इसका ऑयल फिल्टर। तो इस ऑयल फिल्टर को खोलते हैं। तो ऑयल फिल्टर खोलने के लिए अभी हम ये पाइप हटाएंगे, एयर फिल्टर असेंबली है इसको हटाएंगे। ओके, तो अभी हमने यहाँ से हटा दी इसकी बैटरी और ये लोकेशन है इसके ऑयल फिल्टर की। तो यहाँ पर ये है इसमें फिटिंग इसका ट्रांसमिशन ऑयल फिल्टर। तो अभी हम इस फिल्टर को खोलते हैं और इस जगह फिटिंग होता है ये इसका ट्रांसमिशन ऑयल कूलर, जो कि ट्रांसमिशन ऑयल टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ओके, तो अभी हम इसका ऑयल फिल्टर खोलते हैं। तो अभी हम इस सभी स्क्रू को खोल करके इसका जो बैटरी बॉक्स कवर है उसको हटा देते हैं। और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ इस टूल किट को, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती है ये टूल किट। तो इस टूल किट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इस टूल किट को परचेज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की टूल किट है और काफ़ी अच्छी जगह काम करती है और बेसिकली सभी कार में ये यूज होती है। तो इसमें आपको सभी तरीके की सॉकेट सेट मिलते हैं, स्टार बिट सेट मिलते हैं, एरंकी सेट मिलते हैं, रेसेट मिलता है, एक्सटेंडेड वायर मिलता है, जॉइंट वायर मिलता है, यूनिवर्सल जॉइंट मिलता है। ओके, तो अभी हम सभी
इसके कवर को खोल करके रिप्लेस करेंगे इसका ट्रांसमिशन ऑयल। तो यह है इसका ट्रांसमिशन ऑयल जो कि है DSG 6 मेड इन जर्मनी। ओके, तो फ्रेंड्स ये होता है इसका स्पेशल टूल जो कि वर्किंग करता है इस क्लिप को निकालने के लिए और इस क्लिप को हटाने के लिए और लगाने के लिए। तो अभी हम इस क्लिप से इसको इस तरीके से हटा देते हैं। ओके, तो ये टूल भी आप परचेज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अब आप वहाँ से जा करके इनकी सभी स्पेशल टूल्स देख सकते हैं। तो ये है फोर्स। ओके, तो अभी कम्प्लीटली इस एयर फिल्टर असेंबली हटाने के बाद इसका बैटरी बॉक्स हटाएंगे और बैटरी बॉक्स हटाने के बाद खोलेंगे हम इसका ऑयल फिल्टर। ट्रांसमिशन फिल्टर खोलने के बाद फिर नीचे से लगाएंगे इसका ऑयल फिलिंग नट। ओके, तो कंटिन्यूटी देखते रहिए। तो ये आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसमें ये फटा हुआ था कुछ इस क्लिप में। ओके, अभी हम सभी बोल्ट्स को खोल करके इसका फिल्टर असेंबली इस तरीके से हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दो लॉक होते हैं। ओके, तो ये दोनों लॉकों में आप लगा करके हमने हटा दिया। तो अभी हम खोलेंगे इसके दो बोल्ट्स जो कि हैं इस बैटरी बॉक्स कवर के। तो कम्प्लीटली इस बैटरी बॉक्स के दोनों बोल्ट खोलने के बाद इसका ट्रांसमिशन फिल्टर खोलते हैं। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आप इसका ट्रांसमिशन ऑयल लेवल भी कैसे चेक कर सकते हैं, ये ट्रांसमिशन ऑयल लेवल पूरा हो चुका है या नहीं। ओके, तो ये हम इसका इस तरीके से बैटरी बॉक्स कवर हटा देते हैं। और अभी यहाँ पर इजीली आप देख सकते हैं ये है इसका ऑयल कूलर। ओके, और ये था इसका ट्रांसमिशन फिल्टर कैप। तो अभी हम इस कैप को खोलेंगे और इसके अंदर होता है इसका ट्रांसमिशन फिल्टर। और अभी हम बताएंगे आपको किस तरीके से आपको इसका ट्रांसमिशन ऑयल जो है इसमें फीड करना है। ओके, डालना है और किस तरीके से आपको इसका ऑयल लेवल चेक करना है। तो फ्रेंड्स खोलते हैं इसका ट्रांसमिशन फिल्टर। तो यहाँ पर हमें यूज़ करनी होती है इसमें 24 mm की विड्थ सॉकेट। तो इसको हम यहाँ पर लगा करके इसमें ये एक एक्सटेंडेड जॉइंट वायर लगा करके इसका क्रॉस वायर उसको खोलते हैं। ओके, तो अभी हमने यहाँ से लूज कर दिया इसका ट्रांसमिशन फिल्टर। और इसको खोलने के बाद अभी हमें थोड़ा सा वेट और करना होगा इसमें सारा ऑयल ड्रेन होने का। ओके, तो ये होता है इसका ट्रांसमिशन फिल्टर। तो अभी हम वेट करेंगे
इसमें से सारा ऑयल ख़त्म करने का। तो अभी हम यहाँ से सारा ऑयल इसका निकाल देते हैं, इसको किसी कपड़े से या फोम से या इंजेक्शन से। तो अभी हमने खोल दिया इसका ट्रांसमिशन फिल्टर, तो अभी हम यहाँ से इसका ये सभी ऑयल निकाल देंगे एक इंजेक्शन की हेल्प से। तो ये होता है इसका इंजेक्शन, तो हम यहाँ से इसका सारा ऑयल निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी हमने यहाँ से इसका निकाल दिया पूरा कम्प्लीटली ट्रांसमिशन ऑयल। ओके, तो अभी हम चलते हैं इसके नीचे जहाँ पर था इसका ड्रेन प्लग ट्रांसमिशन का। तो वहाँ ड्रेन प्लग पर अभी मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले आपको किस तरीके से फिटिंग करना होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कम्प्लीटली जितना भी ट्रांसमिशन ऑयल था वो पूरा निकल चुका है, और अभी हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे इसका ड्रेन प्लग। तो सबसे पहले फिटिंग करना होता है आपको ये प्लास्टिक नट। ओके, तो सबसे पहले आपको ये प्लास्टिक नट फिट करना होता है। तो इसको आपको इस तरीके से एलेंकी पर लगा करके इसको फिटिंग कर देना है। ओके, तो जैसे आपने ये नट फिटिंग किया तो इस नट की जो आपने हाइट देखी थी वो हाइट काफ़ी ऊपर तक गई है, तो इसी नट से आप चेक कर सकते हैं इसका ऑयल लेवल। तो इस नट को आप पूरा कम्प्लीटली आपको टाइट कर देना है, मतलब ज़्यादा ओवर टाइट भी नहीं करना है, समथिंग जितना प्लास्टिक झेल सकती है उतना आपको टाइट करना है। ओके, उतना टाइट होने के बाद अब आपको क्या करना है, इसका जो नीचे का नट है वो आपको लगाना नहीं है, सबसे पहले आपको फीड करना है। इसमें फिलिंग करेंगे हम ट्रांसमिशन ऑयल, तो जैसे जैसे आप ट्रांसमिशन ऑयल डालेंगे जैसे ही इसका ऑयल लेवल पूरा हो जाएगा, तो आपने देखा था इसमें थोड़ा सा ऑयल निकला था नट खोलने पर, तो लगभग जैसे ही आपको लगता है कि हाँ आप ऑयल आना स्टार्ट हो गया तो समझ लीजिए इसका ट्रांसमिशन ऑयल लेवल पूरा हो चुका है। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें ट्रांसमिशन ऑयल डालने के लिए, जब तक हम इसका ये नट लगाएंगे नहीं। तो चलते हैं ऊपर फिल्टर की साइड। तो अगर आपके पास स्पेशल टूल है तो आप यहाँ पर इस जगह पर टूल लगा करके भी ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप इसको बिना टूल के भी ऊपर इस फिल्टर से आप इसका ऑयल डाल सकते हैं। तो मेरे पास टूल भी है और बिना टूल के, मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ पर टूल से नहीं, मैं बिना टूल के आपको बताने वाला हूँ। आपको बिना टूल के ऊपर फिल्टर से आपको इसका जो ट्रांसमिशन ऑयल है वो फिलिंग करना होगा। तो आपको केवल ये नीचे वाला नट नहीं लगाना है, प्लास्टिक वाला नट लगाना होता है। और अब चलते हैं इसके फिल्टर की साइड। ओके, तो अभी हम यहाँ से फिलिंग करेंगे इसका ट्रांसमिशन ऑयल। तो फ्रेंड्स आपको इसमें यूज करना होता है DSG 6 स्पीड ट्रांसमिशन ऑयल। तो ये है ZF लाइफ गार्ड फ्लूड, और आप देख सकते हैं ये है DSG 6। तो इस कार में जो ट्रांसमिशन है वो है 6 स्पीड, और 7 स्पीड ट्रांसमिशन है 7 स्पीड, और 9 स्पीड गियर में 9 स्पीड, और 10 स्पीड गियर में 10 स्पीड गियर ऑयल। ओके, तो ये 6 स्पीड गियर है तो हम इसमें DSG 6 ऑयल इसमें फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले खोल देते हैं इसका कैप। ओके, उसके बाद आपको एक इसमें छोटा सा कैप है, इस कैप को हटाना होता है, और ये होता है इसका DSG ऑयल। ओके, तो अभी आपको यहाँ पर धीरे धीरे इस तरीके से आपको इसका ऑयल जो है फिलिंग कर देना है। तो अभी हमने यहाँ पर इसमें ऑयल डाल दिया है। ओके, तो थोड़ा सा हमें वेट करना होगा।
धीरे धीरे आपको ऑयल डालते रहना है इसमें। ओके तो अभी जिस तरीके से हम यहाँ से इसका ऑयल फिलिंग कर रहे हैं, तो ये मेथड है बिना टूल के। आप इसको बिना टूल के ऑयल फिल्टर खोल के इसका यहाँ से आप इसका ऑयल फिलिंग कर सकते हैं। ओके और नीचे जहाँ ड्रेन प्लग लगा हुआ है उसके ऊपर जो प्लास्टिक का नट लगा हुआ था वो आपको फर्स्ट लगाना होता है इसका ऑयल लेवल चेक करने के लिए। उसके बाद आप किसी भी गाड़ी का अगर आपको नॉर्मल ऑयल लेवल चेक करना है सर्विस पर, तो आप नीचे वाला ड्रेन प्लग खोल करके उसका ऑयल लेवल चेक कर सकते हैं। अगर ऑयल आता है तो ऑयल पूरा है, अगर ऑयल नहीं आ रहा है तो ऑयल कम है। ओके अगर आप पूरा अंदर वाला नट खोलते हैं प्लग वाला प्लास्टिक वाला, तो आप सारा कम्प्लीटली ऑयल उसका निकाल सकते हैं, ड्रेन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर डाल रहे हैं इसका ट्रांसमिशन ऑयल। तो जिस स्टेप से हम डाल रहे हैं, बाकी के इनके सभी जितने भी इसमें ऑयल डिब्बे हैं ये सभी हम इसमें फिलिंग कर देते हैं। ओके और उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको उसका ट्रांसमिशन ऑयल लेवल पूरा होने के बाद और कितने लीटर इसमें ऑयल आया। तो कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमने यहाँ पर इसमें अभी टोटल डाल चुके हैं अभी हमें इसमें 5 लीटर ट्रांसमिशन ऑयल। ओके तो 3 ये रहा, 1 ये रहा और 1 इस साइड ये रखा हुआ है। ओके तो अभी हमने इसमें टोटल 5 लीटर ट्रांसमिशन ऑयल डाल दिया है और अभी हम चेक करेंगे इसके ऑयल लेवल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इस जगह से इसका जो ट्रांसमिशन ऑयल है वो नीचे ड्रेन हो रहा है, तो इसका जो ऑयल लेवल है वो पूरा हो चुका है। तो अभी हम लगा देते हैं इसका नट जो हमने सबसे पहले इसका एलंकी नट खोला हुआ था। तो ये कुछ इस तरीके से इसका एलंकी नट होता है और इसमें होता है एक ये वेंजो वार्सर। ओके तो अभी हम लगाते हैं इस नट को। तो इस तरीके से आप इसका ऑयल लेवल चेक कर सकते हैं। तो पहले आपको प्लास्टिक वाला नट लगाना है, जब तक ऑयल नट ड्रेन होने लग जाए तब तक आपको इसका ऑयल लेवल टॉप अप करते रहना है। तो अभी यहाँ से जो ऑयल था वो ड्रेन होने लगा, तो अभी हम इस नट को टाइट कर देते हैं। और टाइट करने के बाद अभी हम ऊपर से इसके ऑयल फिल्टर वाली लोकेशन से अभी इसमें समथिंग हम डालेंगे आधा लीटर ट्रांसमिशन ऑयल। तो इसका टोटल हमें डालना होता है इसमें 5 लीटर ट्रांसमिशन ऑयल। ओके 4.5 to 5 लीटर। ओके तो आप अभी हम इसको कम्प्लीटली टाइट करके ऊपर करते हैं इसका ट्रांसमिशन ऑयल टॉप अप और उसके बाद लगा देते हैं इसका ऑयल फिल्टर और वापस से जिस तरीके से हमने खोली थी इसकी बैटरी एयर फिल्टर असेंबली सभी को फिटिंग कर देते हैं और उसके बाद चेक करेंगे हम इसके ट्रांसमिशन को ड्राइव करके। ओके तो ये एलंकी आप देख सकते हैं, ये है 14 mm की। ओके तो करते हैं टाइट। तो इस एरिए को आपको क्लीन कर देना है अच्छे से। तो इस तरीके से आप इसका यहाँ से ऑयल ड्रेन भी कर सकते हैं, ऑयल फिलिंग भी कर सकते हैं। इस जगह से ही आप इस नट को खोल करके DSG टूल से भी इसका ऑयल यहाँ से फिलिंग कर सकते हैं, उसके लिए आपको इसका ऑयल फिल्टर नहीं खोलना होता। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें समथिंग अभी इतना ऑयल बचा हुआ है इस डिब्बे में। तो अभी हम इस ऑयल को भी यहाँ पर फिल कर देते हैं। ओके तो अभी हमने यहाँ पर इसमें टोटल
ऑयल डाल दिया है और इसके बाद फिटिंग कर देंगे हम यहाँ पर इसका ऑयल फिल्टर। ओके, तो ये था इसका ऑयल फिल्टर जो कि मैंने अभी ट्रांसमिशन इसका रिपेयर किया था, तो उस टाइम पे मैंने इसका ऑयल फिल्टर लिए न्यू डाला था। ओके, तो अभी हम इस ट्रांसमिशन ऑयल फिल्टर को फिटिंग करने के लिए ये वाला एरिया आपको लेना होता है इसके इस साइड में। ओके, और ये आपको इस तरीके से लगा देना है और ये लग चुका है, तो अभी हम इसके ऊपर लगा देते हैं इस कैप को। ओके, तो अभी हम इस कैप को लगा देते हैं और इस कैप को लगाने के बाद इसको टाइट कर देंगे परफेक्टली जिस तरीके से कसा हुआ था पहले। उसको टाइट करने के बाद फिटिंग करेंगे इसका बैटरी बॉक्स कवर, बैटरी या फिल्टर असेंबली। वो करते हैं इस कार की एक और बेसिक सेटिंग और बेसिक सेटिंग करने के बाद लेते हैं इस कार की टेस्ट ड्राइव। तो फ्रेंड्स, अभी अभी कम्प्लीटली अभी हमने यहाँ पर फिटिंग कर दिया इसका बैटरी बॉक्स एयर फिल्टर असेंबली। उसको सभी को टाइट करने के बाद अब हम करेंगे इस कार की बेसिक सेटिंग और करते हैं इस कार की एक बार टेस्ट ड्राइव। फ्रेंड्स, फाइनली अभी हमने कर दी है इस कार की पूरी फिटिंग, जैसे कि बैटरी बॉक्स, बैटरी, एयर फिल्टर असेंबली। ओके, और यहाँ पर जो इसका था प्रोटेक्ट कवर जो थी इसकी इंजन गार्ड सील्ड, तो वो भी हमने पूरी फिटिंग कर दी है। तो अभी हम करते हैं इसकी कार की पूरी बेसिक सेटिंग। तो हमें चेक करना होता है इसका ट्रांसमिशन का ऑयल टेम्परेचर और इसकी बेसिक सेटिंग को। तो करते हैं स्टार्ट इसकी बेसिक सेटिंग के लिए। तो बेसिक सेटिंग करने के लिए आपको आना होता है कार के अंदर और यहाँ पर आपको सबसे पहले कार को करना होता है पार्किंग मोड पर। तो अभी हमने कार को किया हुआ है पार्किंग पर और यहाँ पर हम अपना लैपटॉप ऑन कर लेते हैं। तो इसको करेंगे ऑटो स्कैन स्टार्ट। तो यहाँ पर अभी जितने भी इसके फोल्ड कोड हैं, पहले हमें इसके सभी फोल्ड कोड मेमोरी इसकी डिलीट करनी होगी। तो अभी हमें थोड़ा वेट करना होगा। तो इग्निशन स्विच ऑन होना चाहिए। तो अभी फाइनली ये स्कैन हो चुकी है। तो अभी हम यहाँ पर आप इसके फोल्ड कोड देख सकते हैं। स्टीयरिंग असिस्टेंट में कुछ फोल्ड कोड है, डोर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ फोल्ड कोड हैं, सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ फोल्ड हैं। तो अभी हम इसको क्लियर कर देते हैं। ओके, तो अभी हमने इसको क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद अभी हम इसकी बेसिक सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको डन गो बैक और अभी सिलेक्ट करते हैं यहाँ से ऑटो ट्रांसमिशन। ओके, तो 02 पे जाके हमें ऑटो ट्रांसमिशन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चेक करना होता है इसका मॉइस्चराइजर ब्लॉक में जा करके इसका ऑयल टेम्परेचर 08। तो यहाँ पर हम इसमें टाइप करेंगे ग्रुप होता है आपको 19। ओके, तो यहाँ पर आप इसका टेम्परेचर देख सकते हैं, ये है 50 डिग्री, 50 डिग्री। और ये इसका टेम्परेचर आपको नीचे भी शो कर रहा है डिस्प्ले पर। ये इसकी रेंज जो है -250 से मैक्सिमम +250 तक होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी हम करते हैं इसको डन गो बैक। ओके, और जाते हैं सीधे सबसे पहले हम बेसिक सेटिंग में। तो बेसिक सेटिंग का सबसे पहले आपको मैं आपको स्टार्टिंग का तरीका बता देता हूँ। बेसिक सेटिंग करने के लिए आपको लीवर को करना होता है पार्किंग मोड और कार को करना होता है स्टार्ट। तो आपको इसका जो थ्रॉटल है वो बिल्कुल छोड़ देना है। ओके, तो और अभी हम करते हैं इसकी बेसिक सेटिंग। तो बेसिक सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रुप 61 आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको इसको ऑन ऑफ करना होगा।
तो कम्प्लीटली आप इसका वीडियो देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है कि आपको बेसिक सेटिंग किस तरीके से करनी है इस कार की। ओके, तो मैं सेम उसी स्टेप्स इसकी पूरी बेसिक सेटिंग कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ, 16 नंबर। तो यहाँ पर ये सभी नंबर इसके जब रुक जाते हैं तो आप समझ लीजिए कम्प्लीटली इसकी बेसिक सेटिंग हो चुकी है। तभी मैं यहाँ से इसको करते हैं डन, गो बैक, फोल्ड कोड चेक, नो फोल्ड कोड। ओके, तो अभी करते हैं इसको यहाँ से डन, गो बैक, फोल्ड कोड चेक, नो फोल्ड। तो अभी हमें कार को करना होगा 10 सेकंड के लिए ऑफ। कार को हमने ऑफ किया, दोबारा से रीस्टार्ट, गियर चेक करने हैं हमें डी पे लगा करके। ओके, तो डी 1 शो हो रहा है, एन शो हो रहा है, रिवर्स शो हो रहा है। तो कम्प्लीटली आप इस तरीके से, मैंने अभी आपको इसका शॉर्ट तरीके से इसका बेसिक सेटिंग करने का तरीका बता दिया है। अगर आपको इसका कम्प्लीट वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है आपको कम्प्लीटली किस तरीके से इसकी बेसिक सेटिंग करनी है। ओके, तो किया था हमने इस कार का ट्रांसमिशन और रिप्लेस बिना टूल के। और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अगर आपका कोई सवाल जवाब सुझाव है तो हमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। फाइनली अभी हो चुकी है इस कार की पूरी कम्प्लीटली बेसिक सेटिंग इस कार में। ओके, तो अभी हम चेक करने वाले इस कार को टेस्ट ड्राइव से। तो करते हैं इस कार को स्टार्ट और चलते हैं एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव पर। ओके, तो अभी मैंने रिवर्स लिया हुआ है और ये है बाहर वर्कशॉप। तो इस साइड खड़ी हुई है मर्सिडीज CDI, इसमें कुछ ABS में प्रॉब्लम है। ये है वर्ना फ्लोडिक जिसका इंजन ओवरऑल हुआ है, वो है आगे वर्ना जिसमें भी एक्सीडेंटल की थोड़ी प्रॉब्लम थी। ये होंडा ये शंट, और इस साइड है ऑडी A6 और ऑडी A6 होंडई टोयोटा। ओके, अभी करते हैं इस कार की टेस्ट ड्राइव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 800 हो चुका है, यानी कि रिवर्स। तो मैं कार को पहले रिवर्स कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ले लिया कार को डी मोड पर, यानी कि ड्राइव, और ये होता है इसका स्पोर्ट्स मोड। और ये डी, अगर आप इस लीवर को इसके लेफ्ट साइड कर देते हैं और प्लस की तरफ करेंगे तो ये मैनुअल मोड में प्लस गियर जाएंगे, ये माइनस गियर होते हैं। ओके, तो आप मैनुअल मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ड्राइव मोड में मैं अभी करता हूँ इस कार को ड्राइव। तो यहाँ पर अभी फर्स्ट गियर में चल रही है कार, सेकेंड गियर आ चुका है। ओके, थोड़ा आगे ट्रैफिक है, रिक्शा भी चल रहा है, तो
खोल लेते हैं अभी इसकी। तो यहाँ पर इसमें किसी प्रकार की कोई चेक लैंप भी नहीं है। ओके, थर्ड गियर आ चुका है, फोर्थ गियर आ चुका है, तो सभी गियर इसके परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। और मैं आपको अभी इसका मैनुअल मोड भी दिखा देता हूँ। तो ये मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, फर्स्ट गियर में है गाड़ी। तो ये मैनुअल मोड में बिल्कुल परफेक्ट ड्राइविंग है इसकी। और अभी हम कर देते हैं इस कार को पार्किंग। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया था इसका किस तरीके से आप इसका ट्रांसमिशन ऑयल रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपका कोई सवाल जवाब सुझाव है तो आप हमें कॉमेंट भी कर सकते हैं। और बेसिक सेटिंग का फुल वीडियो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर ऊपर आई बटन पर दबा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कम्प्लीटली बेसिक सेटिंग आपको किस तरीके से करनी है इसकी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on